चीज बताओ, ये जो पप्पा का मंदिर है ना, ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा मंदिर। 1,21,000 रुद्राक्ष से ये शिवलिंग बना है। उल्टा स्वास्तिक देख रहे होगे यहाँ पे भी, और वहाँ पे उस सीधा स्वास्तिक है। आप ये तराजू देख रहे होगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। अभी फिलहाल मैं हूँ अहमदाबाद में, और आज मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूँ अहमदाबाद के सिद्धिविनायक मंदिर में। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि सिद्धिविनायक मंदिर तो मुंबई के प्रभा देवी में, बट ऐसा नहीं है। सिद्धिविनायक मंदिर अहमदाबाद में भी है। तो अहमदाबाद में जो सिद्धिविनायक मंदिर है और वो जो प्रभा देवी में सिद्धिविनायक मंदिर है, वो मंदिर से और ये मंदिर का कुछ अलग ही नाता है। क्या नाता है मैं आपको लोकेशन पे पहुंच के बताऊंगा। और ये अहमदाबाद से सिद्धिविनायक मंदिर का डिस्टेंस होगा कुछ 30-50 किलोमीटर, 30-50 किलोमीटर का होगा। तो पूरी जर्नी मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ और सारी अपडेट देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। एंड चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड गणपति बप्पा मोरिया। फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे 1 घंटे का ट्रैवलिंग करके। और ये देखो श्री सिद्धि विनायक, और ऊपर बप्पा भी है। रुको दिखाता हूँ मैं आपको। सो चलो करते हैं अंदर एंटर, और आप सभी को मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। बात की जाए पार्किंग की, तो पार्किंग कैपेसिटी देख सकते हो कितना बड़ा है। देख सकते हो गुजराती में लिखा है VIP, वीआईपी पास का एंट्रेंस है। और भाई अंदर एंटर होते ही ना चारों साइड ऐसा लग रहा है आप किसी आश्रम के अंदर आ गए हो। एंड ये प्रसाद का, मतलब आप प्रसाद भी खरीद सकते हो। गुजराती में लिखा है इसके लिए मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और बाकी भाई बहुत ही बोलते ना बड़े में फैला हुआ है, और व्हील चेयर भी रखा है। मतलब कोई हैंडीकैप है जो चल नहीं सकता है उनके लिए पूरा बोलते ना ध्यान रखा गया है। और देख सकते हो पीछे एक रिक्शा भी है, मतलब बहुत ही प्यारा। और दूसरा एंट्रेंस गेट देखो कितना बड़ा है। और सामने देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा बप्पा के रूप में बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर। और अंदर एक हाथी भी देख सकते हो। तो चलो अंदर लेके चलता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा ब्लॉग के अंदर। एक चीज नोटिस किया आपने, जो बना हुआ है ना गणेश जी, वो एकदम सिद्धिविनायक की तरह बना है। जैसे कि देख सकते हो सिद्धिविनायक में पप्पा का मूर्ति कैसा है, पूरा वैसे बना हुआ है। और देख सकते हो पूरा यहाँ पे गार्डन भी है, एंड वहाँ पे मूसक राज भी है। एंड भाई ये लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है रियल है। ये जो पप्पा का मंदिर है ना, ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा मंदिर है। और बात की जाए इस मंदिर की स्टोरी की, तो जो हमारे प्रभा देवी में जो सिद्धिविनायक में जो जोत है ना, वहाँ का जोत यहाँ लेके आया गया है। और दूसरी बात, जो यहाँ के पंडित जी है वो भी वो ट्रेनिंग लेके आए सिद्धिविनायक मंदिर से। तो है ना बहुत अनोखी कहानी। सब चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, और यहाँ के शिव जी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अंदर जाके। अभी नीचे से एंट्रेंस है, और सामने फूड काउंटर भी से देख सकते हो। तो चलो चलते पहले अंदर। इस स्टेप पे दिया रखा हुआ है, और भाई ये एक्सल में पत्थर है। जय गजानन। बताओ
मतलब स्ट्रक्चर की कितना लंबा है, 7.1 फीट लंबा है। एंड हो गए हम, देख सकते हो सामने। ये रहे बप्पा, अब बप्पा का दर्शन करने के अब जा रहे हैं उनके पिता महादेव का दर्शन करने। और इस मंदिर के शिवलिंग की बात ही अलग है, क्या है वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। तो देख सकते हो क्या अनोखा है, जो शिवलिंग है ना ये पूरा रुद्राक्ष बना हुआ है। और कितना रुद्राक्ष पता है क्या, 1,21,000 रुद्राक्ष ये शिवलिंग बना है। और दूसरा चीज देख सकते हो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे मौजूद है। उल्टा स्वास्तिक देख रहे होगे यहाँ पे भी, और वहाँ पे उस सीधा स्वास्तिक है। इसका मतलब क्या पता है क्या, जब हमारा कोई मनोकामना है हम उल्टा स्वास्तिक बनाएंगे, और जब मनोकामना पूरा हो जाएगा तो यहाँ आके सीधा स्वास्तिक बनाएंगे, है ना कुछ अनोखा। ये बप्पा भी सिद्धि विनायक की तरह भी मनोकामना पूरी करते हैं। आप ये तराजू देख रहे हो क्या, यहाँ पे ना एक साइड बच्चे को रख के और एक साइड जो भी आप दान देना चाहते हो, गुड़ या चावल या जो भी, तो वैसे यहाँ पे दान दिया जाता है। चलिए आपको पुरी के जगन्नाथ जी से मिला दो। चलते हैं पेट पूजा करने। ये जो देख रहे हो ये है पंजाबी थाली, चने मटर की सब्जी है और एक पनीर मटर है, दाल चपाती एंड जीरा राइस, और वो है गुजराती थाली। चलो खाते हैं, आगे बढ़ते हैं। खाना बहुत ही बेस्ट था, मज़ा आ गया खाना खाते। यहाँ पे जितनी चीज़ें हो तो उतनी कम है, देख लो सामने 5 हाथी है, ठीक है फैमिली पूरी। यहाँ पे आप अच्छा खासा फोटो शूट कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन है जो कि अभी फ़िलहाल बन रहा है, और यहाँ पे एक शॉप है जो आप विजिट कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों के ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।